हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केमो नाचो कैसन बा कसा काय। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ फुट मसाज के फायदे। पैरों के जो तलवे हैं उससे अगर हम उसे मसाज एवरीडे नाइट में करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं वो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में ऐसा हो गया है कि हम लड़कियां और या बॉयज जो भी हैं वो अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते हैं, जिसके वजह से होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा कभी सर दर्द, कभी बॉडी दर्द, कभी थकान, बहुत पैरों में झिनझिनाहट और बहुत आप लो फील करते हो। इसके वजह से हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और बाद में जाकर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसे हमें इग्नोर नहीं करना है, इसके लिए मैं एक सोल्यूशन लेकर आई हूँ, पैरों का मसाज। अगर हम एवरीडे ये पैरों का अपना मसाज करते हैं ना, इससे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वन बाय वन करके मैं आप लोगों के साथ में बताने जा रही हूँ इसके 10 फायदे हैं। अगर आप अपने फुट मसाज करते हो, फुट मसाज के 10 फायदे बताती हूँ मैं। अगर आप इसे एवरीडे करते हो ना तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स जो है मैंने नोट करके रखा है, तो मैं आप लोगों के साथ में वही शेयर करती हूँ। आप लोग देखिए कि कौन कौन सा पॉइंट है। ओके, पहला है ब्लड सर्कुलेशन, जिससे आपकी बॉडी इससे अच्छी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। देन सेकेंड है अगर बॉडी में बहुत ज्यादा आपको पेन हो रहा है ना, तो बॉडी में बहुत ज्यादा अगर आपको पेन हो रहा है तो बॉडी का जो दर्द है उससे आपको राहत मिलेगी ये फुट मसाज से। फोर्थ है ब्लड प्रेशर, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है या लो होता है, अगर एवरीडे ये मसाज करते हैं ना, इससे भी इनकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। फाइव है अगर आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और हमेशा दर्द रहता है, तो अपने रात को सोते वक्त ना अगर आप फुट मसाज करते हो ना, तो आपकी ये जो भी दर्द है वो दर्द खत्म हो जाएगी, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो आप लोग जरूर एक बार ट्राई करना। ओके, सिक्स है अगर बहुत सारी गर्ल्स को पीरियड्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इवन मुझे भी बहुत ज्यादा होता है, तो अगर हम एवरीडे अगर ये मसाज अगर फुट मसाज करें ना, इससे सही रहेगा कि हमारा जो दर्द होता है हर महीने में जब भी हमारा पीरियड्स आता है तो हम दर्द से जूझते ही रहते हैं, तो क्यों ना हम फुट मसाज कर ले कि उससे हमें हमारे जिससे हमें दर्द ना हो। तो मैं तो फुट मसाज करना शुरू कर दिया है मैंने, तो सोचा कि आप लोग साथ में भी शेयर कर दूं। तो मैं आप लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप लोग भी फुट मसाज जरूर कर लें। सात नंबर है अगर फुट मसाज आप एवरीडे करते हो तो वजन कम करने में भी थोड़ा हेल्प करता है, तो फुट मसाज भी आप कर सकते हो। आठ है अगर आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आप अगर ये फुट मसाज नाइट में करते हो ना, तो आपके सर का दर्द भी और जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। नाइन है अगर आपको नींद की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती है, आप बेड पे तो चले जाते हो लेकिन आप सो नहीं पाते हो, तो अगर आप फुट मसाज करते हो ना 10 मिनट तक, तो आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपकी और आपको अच्छी नींद आना शुरू भी हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फुट मसाज आज से ही शुरू कर लो आप सब। एंड लास्ट है, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है फुट मसाज। अगर फुट मसाज एवरीडे करते हैं प्रेगनेंसी में, तो जो बॉडी में बहुत ज्यादा थकान है, अगर आप ज्यादा टाइम खड़े रहते हो ना तो आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, या नॉर्मली कोई भी अगर काम करता है या बहुत ज्यादा चलता है या खड़ा रहता है तो पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो अगर एवरीडे करेंगे 10 मिनट तक ये फुट मसाज, तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे करना है फुट मसाज, ठीक है। आप फुट मसाज के लिए आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, सरसों ऑयल ले सकते हो, नारियल ऑयल ले सकते हो, बादाम का ऑयल ले सकते हो, पुदीना ऑयल ले सकते हो, जो आपके पास ऑयल अवेलेबल है वो सारे ऑयल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए मैं फुट मसाज करके आप लोगों के साथ में दिखाती हूँ। ओके, और देखे ना, एक मसाज और फायदे अनेक है ना, तो आप लोग करना जरूर शुरू कर दो। तो आइए मैं अपना फुट मसाज करती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, बहुत अमेजिंग है, एक बार आप लोग जरूर ट्राई करना। एक बार क्या, आप लोग हमेशा जब भी सोने जा रहे हो ना, आप लोग करना, आपके बॉडी से रिलेटेड जितना दर्द वर्द जो भी होता है ना, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आ जाओ मसाज करते हैं। तो ये फुट मसाज करने के लिए मैंने यहाँ पे नारियल का ऑयल लिया है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग नारियल का ऑयल या कोई भी ऑयल ले सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको स्प्रेड कर लेंगे हाथों पे, और ये हमारे जो तलवे हैं इधर आप लोग देख सकते हो, इस तलवे पे हम इसे
फैला लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे दोनों तलवे पे। और ना ये सब जो पॉइंट है आप देख सकते हो, ऐसे फिंगर्स के हेल्प से हम इसे प्रेस, इसे प्रेस करेंगे। ये हमारा प्रेशर पॉइंट है, दोनों उंगली में ऐसे ऐसे कर लेंगे। अब 10 मिनट तक हमें मसाज करने हैं अच्छे से हमारे पैरों के, और ऐसे दबाना है। अगर हम इसे एवरीडे मसाज करते हैं, हमारे सर दर्द, बॉडी का दर्द, माइग्रेन और पैर का, पैर की जो झिनझिनाहट होती है वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और पैरों की जो थकान है वो भी, थकान भी दूर हो जाएगा। सो आप लोग एवरीडे जरूर कर ले। जोरों के दर्द होते हैं, पैरों में दर्द हो जाते हैं खड़े रहते रहते, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है कि प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो आप लोग एक बार जरूर ये कर ले। तो ठीक है, अभी आप लोगों को मैंने बता दिया कि कैसे मसाज करने, ऐसे ही मसाज करें। और लेकिन जब भी मसाज करें पैरों का ना, तो ये ध्यान रखें कि पैर, अपने पैर को ना अगर गर्म पानी में पैर को 2-3 मिनट डालकर रखें, थोड़ा सा मतलब ज्यादा गर्म भी ना हो ज्यादा ठंडा भी ना हो, थोड़ा सा 10 मिनट तक पैर ना गर्म पानी में डाल दोगे ना, उसके बाद पोंछ कर एक टॉवल के हेल्प से अध्ययन मसाज करोगे तो और भी आपको रिलैक्स मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे फुट मसाज किया है, मैंने अच्छे से कर लिया। थोड़ा सा ही मैं क्लिप जोड़ रही हूँ क्योंकि अकेले वीडियो शूट कर रही हूँ, तो पैरों का अच्छे से मसाज मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग 10 मिनट तक जरूर मसाज कर ले तो अच्छा रहेगा आपकी बॉडी के लिए। तो आप लोग एक बार जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फैमिली और फ्रेंड के साथ में, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगा। YouTube, अब मैंने अपना एक और न्यू YouTube चैनल ओपन किया है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस जा रहे हैं, चैलेंज वाली वीडियो, तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग जाइए, बहुत आप लोग एंटरटेन होंगे या बहुत कॉमेडी वाली वीडियोज जाती है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो चलिए फिर मैं मिलूंगा अपने ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।